आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। स्कूल खुलते ही बड़ी चहल पहल, जीएनपुर के गुरुकुल पब्लिक स्कूल में पहुंचने लगे बच्चे। स्कूल में हो रहा है कोरोना गाइडलाइन का पालन। बता दें कि आजमगढ़ जिले के जीएनपुर में स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल खुलने के बाद स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं स्कूल के बच्चे स्कूल खुलने पर खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। वहीं स्कूल में गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को दो पालियों में बुलाया जा रहा है। पहली पाली में तो छात्र छात्राएं चाहते हुए विद्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी पाली में बच्चों की संख्या थोड़ी कम रह रही है। वहीं विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। गुरुकुल पब्लिक स्कूल के गेट पर छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सैनिटाइजर का भी प्रयोग कराया जा रहा है। नाम है आपका? मेरा नाम जिया सिंह है। किस क्लास में पढ़ती? मैं क्लास 8 में पढ़ती। अच्छा, इतने दिनों बाद स्कूल खुला है और दोस्तों से मिलकर कैसा लग रहा है? हमको दोस्तों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के समय घर पे बहुत ही बोरिंग भी होता था, और स्कूल आने के बाद पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है और दोस्तों से मिलने के बाद अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आपके स्कूल में सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल किया जा रहा है, सारे प्रिकॉशंस अच्छे से किए जा रहे हैं। अच्छा, सारे बच्चे लोग और टीचर लोग सभी लोग मास्क पहन रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। और कैसे पालन किया जा रहा है बताइए। सारे बच्चे सैनिटाइजर लेके आ रहे हैं, सभी लोग अच्छे से मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंस का भी ध्यान रखा जा रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। इतने दिनों बाद स्कूल खुला है और सरकार की गाइडलाइन का आपके स्कूल में पालन हो रहा है? नहीं, हम लोग तो सारा स्टाफ हमारा और हमारे सारे जितने भी को वर्कर्स हैं, हम लोग सब मिल करके पूरी तरीके से जितने भी शासन की गाइडलाइन है उसको पूरी तरीके से फॉलो करा रहे हैं। बच्चे जब आते हैं सबसे पहले उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उनका ऑक्सीजन लेवल देखा जाता है, उसके बाद उनको हाथ सैनिटाइज करके ही क्लास के अंदर एंट्री की जाती है। और किस तरीके से सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? प्रॉपर जो बच्चों की फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन रखा जाता है, बच्चों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन ज़्यादा ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। टीचर्स हमारे लंच टाइम में भी क्लास में ही रहते हैं ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिले जुले ना, और बच्चे अपना जो लंच ला रहे हैं या फिर जो भी खाने पीने का सामान ले रहे हैं उसको सेपरेटली यूज करें। क्या सभी बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग पर बैठे हैं, मास्क लगाएं सभी? जी प्रॉपर, हमारे यहाँ जितना भी सब उसी पैरामीटर पर है, उसी हिसाब से हमने सेक्शन को भी डिवाइड कर दिया है और मैक्सिमम एक सीट पर दो बच्चों से ज़्यादा मनाओ नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।